आखिर वो चाहता क्या है? कभी उसके लिए अपना रिश्ता भेजता है, कभी उसके लिए जोड़ा खरीदता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो सबीन से मोहब्बत करने लगा है। मामू, मैं सबीन से शादी करना चाहता हूँ। क्या? क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों? पता नहीं अबा, आज सुबह से बड़ा दिल घबरा रहा है। ऐसा होता है बेटा, आज तुम्हारी मेहंदी है। नए रिश्तों में जुड़ने का खौफ ये एहसास पैदा कर देता है। तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो आज ये एहसास तुम्हें नहीं होने देती। मैंने तो कभी माँ को देखा ही नहीं है। मेरे लिए तो हमेशा आप ही माँ रहे हैं और आप ही बाप हैं। अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया बेटा। अल्लाह तुम्हें हर परेशानी से दूर रखे। चलो नाश्ता करो। शाबाश। अस्सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा। बात सुनो, आज तो तुम्हारी मेहंदी है, आज तो तुम ऑफिस की छुट्टी कर लो। अब्बा, वो हुआ ये कि ऑफिस वालों ने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त कल से मंजूर की है। बेटा मगर सारे इंतजाम कौन देखेगा? मैंने भी थोड़ी देर के लिए दुकान जाना है। अब्बा मैंने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, वैसे भी शाम को जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा जी, तेरे अल्लाह। मुस्तफा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही? तुम आज तो ऑफिस मत जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कह रही मुस्तफा, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम सब ठीक होने जा रहे हैं, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर भी ऑफिस जाना जरूरी है, आज हमारी मेहंदी है। ऑफिस अभी जाऊंगा, तभी तो वापस आऊंगा ना। वादा कर, सूरज ढलने से पहले तुम्हारा मुस्तफा लौट आएगा, तुम बस तैयार रहना। तुम्हारे खूबसूरत हाथों पे हिंदी से अपना नाम मैं खुद लिखूंगा। जल्दी आना। आऊंगा। या अल्लाह, मेरे मुस्तफा की हिफाजत कर। पूरी पसंद मेरे भाई के घर के पूरी पसंद।
सबिंदा जी, आपके हाथ पर मुस्तफा भाई का नाम लिख दो। नहीं, मुस्तफा ने मुझसे वादा किया कि वो वापस आके खुद अपना नाम मेरे हाथों पे लिखे। सोफिया, मुस्तफा कहाँ है? उसने बोला था कि वो सूरज ढलने से पहले आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। उसका फोन आया था दयाजान, कह रहा था कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो लेट हो जाएगा वो। मैम आता। इखलाल भाई, बड़ी देर हो चुकी है, मुस्तफा अभी तक आया नहीं है। मतलब उसकी मेहंदी है, लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक वो ऑफिस में, जरा फोन करके पूछ तो लें। हाँ, मैं फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हेलो मुस्तफा, बेटा तुम कहाँ हो? अंधेरा हुए भी दो घंटे हो गए। जी जी, फिक्र मत करें, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बस सही, जल्दी आ जाओ बेटा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आ रहा है। अंदर मेहमान वगैरह सब ठीक है? देख लिया? जी मैं देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। चंद घंटों की बात है, सबीन सबीन सफदर की बजाय सबीन मुस्तफा हो जाएगी। सबीन सफदर से सबीन मुस्तफा बनने में उसे 22 साल लगे हैं, लेकिन सबीन मुस्तफा से सबीन सफदर बनने में उसे चंद लम्हे लगेंगे। आपसे कहती रहेगी किस लड़की के ना पाक कदम हमारे घर में मत पड़ने दे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया आपने नतीजा, मेरे बच्चे की जिंदगी मौत के दहाने पर लाकर खड़ी कर दी इस लड़की ने। मुस्तफा से बात हुई? फोन आया था उसको, कह रहा कि रास्ते में वो पहुंचने वाला। सोबिया, अभी सिर्फ कुछ घंटों की बात है और सबीन मुस्तफा के नाम लिख दी जाएगी और तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओगी। ये मोहब्बत की जंग, और सोबिया ये जंग आखिर तक लड़ेगी। अच्छा, लेकिन सोबिया लड़ने में और जीतने में बहुत फर्क होता है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब का सबीन को जहर देकर मार चुकी होती। अगर वक्त आया ना तो सोबिया भी ये कर देगी। सोबिया, मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो चुकी हो। तुम अभी तक सही वक्त का इंतजार कर रही हो। वक्त तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, और चंद घंटों की बात है, सबीन सबीन सफदर की बजाय सबीन मुस्तफा हो जाएगी। सबीन सफदर से सबीन मुस्तफा बनने में उसे 22 साल लगे हैं, लेकिन सबीन मुस्तफा से सबीन सफदर बनने में उसे चंद लम्हे लगेंगे। चलो, खुदा का शुक्र है सब ठीक ठाक से हो रहा है। सुने, मुस्तफा के आते ही खाना लगवा दीजिएगा प्लीज। कब से मेहमान आए हैं, वापस कब तक जाना है? उसका इंतजार। हेलो जी, मैं इखलाक अहमद हूँ, फरमाइए आप कौन? क्या क्या हुआ है?
एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ है? वो कह रहे हैं कि मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है। क्या? मेरे मुस्तफा का एक्सीडेंट? नहीं। तुम जल्दी से कपड़े बदलो, हमें निकलना और हॉस्पिटल। अभी आई। किसने कॉल किया? पता नहीं, मेरे ख्याल उसके मोबाइल से नंबर। चलें, चलते हैं। अच्छा, चलते हैं, चल। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सोबिया बोलो, जवाब दो। मुस्तफा को कुछ? मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेहंदी पहने गई आप? किस मुंह से जाऊं? जो तुमने किया है उसके बाद तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उन लोगों का सामना करने की। मोहन मां, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप इतना शर्मिंदा फील कर रही हो। खैर, आप अभी भी जा सकती हैं। नहीं जाना मुझे। दरअसल सफदर ने जब से सबीन के रिश्ते को इनकार किया है, मेरा दिल उठ गया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सफदर मुझे इनकार करेगा। भाई क्या कमी है इस घर में? बहुत खुश रहती सबीन यहां पर, और सबीन के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिलता भी कहां से? भाई मुस्तफा का और तुम्हारा मुकाबला ही क्या है? हाँ सफदर, क्या एक्सीडेंट? किस हॉस्पिटल में? अच्छा, मैं आती हूं। क्या हुआ? मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चलो। मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ में रखना या मेरे बच्चे का कुछ ना हो, मेरा एक ही बेटा है, या अल्लाह कुछ ना हो उसको। अरे अम्मी सब्र करें, हौसला रखें, कुछ नहीं होगा मुस्तफा भाई को। आप क्यों परेशान हो रही? ये तो होना था, उस नापाक वजूद को मेरे बेटे की जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रहे थे, अभी तो उसका साया ही पड़ा था उसमें। कैसी बातें कर रही हो नफीसा, ये हॉस्पिटल है, कुछ देखभाल के बात करो। आपने ख्याल किया था मेरी बातों का जो मैं आपकी बातों का ख्याल करूं? मुस्तफा को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भला सुबह निकला था, एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी में है। तबीयत कैसी है उसकी? अभी तो ठीक नहीं है, डॉक्टर्स देख रहे हैं, लेकिन काफी सीरियस है। परेशान मत हो इखलाक, सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। मैं आपसे कहती रहेगी किस लड़की के नापाक कदम हमारे घर में मत पड़ने दे, लेकिन आपने मेरी एक देख लिया आपने नतीजा, मेरे बच्चे की जिंदगी मौत के दहाने पर लाकर खड़ी कर दी इस लड़की ने। नफीसा, सबीन का क्या कसूर है? सारा कसूर सबीन का ही, इसी लड़की की वजह से हुआ ये सब।
डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मुस्तफा की? लेकिन उनकी कंडीशन काफी सीरियस है, अभी तो हमें फौरी तौर पर उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? लेकिन उनकी बैकबोन में शरीर चोटें आई जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटेज हो गया है, जो काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सब ठीक है, लेकिन सर्जरी में काफी खर्चा हो जाएगा। कितना खर्चा हो सकता है? कम से कम 80 से 90 लाख रुपए। डॉक्टर साहब, 80 से 90 लाख रुपया? दवाएं और बाकी खर्चे अलग से हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको फौरी तौर पर सुबह तक कुछ रकम जमा करानी होगी, कम से कम 20 लाख रुपए, ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी कर सकें। अरे अम्मी, संभाले खुद को, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा मुस्तफा भाई को, प्लीज संभाले। मेरा मुस्तफा, मेरा मुस्तफा। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहां से करूंगा? मुझे नहीं मालूम, आप जहां से मर्जी पैसे लाए, चोरी करें, डाका मारे, कुछ भी करें, 1 लाख मुझे पैसे चाहिए। मुझे अपना बेटा सेहतमंद, जिंदा, सलामत चाहिए। जहां से मर्जी पैसे लाए, मुझे नहीं पता। नफीसा, परेशान ना हो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, हम सब हैं ना। मगर मैं क्या करूं, मेरे पास तो 4-5 लाख रुपए से ज्यादा है भी नहीं। मेरे पास कुछ जेवर भी तो पड़े हैं, मैं वो बेच दूंगी, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेच दूंगी। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा जवान बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और मैं इतना बेबस होकर रह गया। कुछ कैश सफदर भाई के पास भी तो पड़ा हुआ है, सब कुछ मिला के कुछ ना कुछ रकम तो हो ही जाएगी। और वो सफदर भाई की बात हुई है प्रॉपर्टी वाले से, वो कह रहे घर बिक जाएगा, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, मिल जाएंगे काफी पैसे। अगर हमारे उस घर में तो सफदर का भी हिस्सा है। 1 लाख कैसी बातें कर रहे हैं आप इस मौके पर सोचेंगे कि इस घर में किस किस का हिस्सा है? आज एहसास हुआ कि जिंदगी में पैसा कितनी जरूरी चीज है। आंसू पोंछने के लिए अगर किसी का साथ ना हो तो आंसू बेमानी लगने लगते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये आंसू भी साथ छोड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये एडवांस मैंने जमा करा दिया डॉक्टर साहब। आप ठीक कह रहे हैं, हमारी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, शाम 5 बजे ऑपरेशन होगा, बड़े कंसल्टेंट आएंगे, लेकिन आपको ऑपरेशन से पहले बकाया रकम भी जमा करवानी होगा। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं, लेकिन मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, जितनी जल्दी इंतज़ाम करेंगे उतना अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी रकम का अचानक इंतज़ाम करना थोड़ा मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप ऑपरेशन शुरू करें, हम कल तक पैसे जरूर जमा करा देंगे।
मैं समझ सकता हूँ, मगर आप जानते हैं ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इस मामले में यहाँ एडमिट के रूल्स बहुत सख्त हैं। मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर कुछ करता। आई एम सॉरी। सत्तर लाख? सत्तर लाख कोई छोटी रकम नहीं होती माँ। इतनी बड़ी रकम मैं अपने बिजनेस से निकाल के बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अच्छी तरह जानती है मैंने खुद नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मुझे खुद सरमाए की जरूरत है इस वक्त। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स किसी इंसानी जान से ज्यादा अहम है क्या? क्या तुम ये रकम नहीं देना चाह रहे? क्या मतलब? यही कि सबीन और मुस्तफा की शादी होने जा रही थी, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। देखो बेटा, हर काम में कोई बेहतरी होती है, शायद अब। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा हरगिज़ नहीं है। मैं फिलहाल वाकई रकम निकाल के नहीं दे सकता अपने बिजनेस से। हाँ, जितना मुझसे हो सका मैं जरूर करूंगा उसके लिए। आखिरकार मेरा कजन है, रिश्ता है उसके साथ। पैसे जल्दी जमा नहीं कराए तो फिर वो उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऐसे कैसे ताया जी? वो तो डॉक्टर्स हैं, मसीहा है वो, उनका तो काम है लोगों को जिंदगी देना। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? ये मसीहा नहीं है, ये जल्लाद। इनका काम सिर्फ पैसे बनाना, कोई जिए मरे इनको कोई कष्ट नहीं। फिर भी ताया जी, क्या थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है उनमें? हमने मना थोड़ी किया है पैसे देने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है। आप दोबारा बात करके देखें ना प्लीज। मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। प्रॉपर्टी वाले ने कहा है कि हमारे घर के रजिस्ट्रेशन पेपर्स में कोई मसला है, थोड़ा वक्त लगेगा हल होने में। उसके बगैर खरीदार मिलना थोड़ी मुश्किल है। अब तो फर्द ही एक सहारा है। लेकिन सफदर, वक्त बहुत कम। जान, और कितना इंतजार? खाला को गए हुए कितना वक्त हो गया और अभी तक और इंतजार? और वैसे भी शाज़ेन के लिए ये रकम कोई मुश्किल नहीं है, वो कर लेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, देखते हैं। ये सब क्या हो गया? मैं मुस्तफा के इलाज के लिए सारे पैसे देने को तैयार हूं, बस सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ दो रातें गुजारनी होगी।
कुछ ही दिन की बात है, 10 दिन में कागजात का मामला सही हो जाएगा तो मैं घर बेच दूंगा और मैं घर बेच के सारे पैसे वापस दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है सफदर भाई, दरअसल शाहजैन ने अपना सारा पैसा कारोबार में लगा रखा है, पर अचानक इस तरह इतनी बड़ी रकम निकालना मुमकिन नहीं है उसके लिए। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शाहजैन से जो भी हुआ वो जरूर करेगा। ठीक है। अब्बा, क्या कहा उन्होंने, पैसे दे देंगे ना? नहीं बेटा, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा है कि शाहजैन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। ये सब क्या हो गया? याला, याला ये सब क्या हो गया? मेरे मुस्तफा का क्या बनेगा? उसके इलाज के पैसे कहां से आएंगे? याला ये क्या हुआ? क्यों हुआ ये सब? सारी आजमाइशें मेरे लिए, या मेरे मालिक, क्यों किया ऐसे? क्यों किया ऐसे? क्यों किया ऐसे? मेरा मुस्तफा। तुम यहां? अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पे मिल गए। पप्पू के सामने मैं ये बात नहीं करना चाह रही थी। बड़ी कीमत लगाई थी ना आपने मेरी? मेरी कीमत लगाते हुए आपको अपने कारोबार में लगाया पैसा याद नहीं आया? अब्बा को ब्लैंक चेक देते हुए भी आपको अपने कारोबार में लगाया पैसा याद नहीं आया? आज जब मुस्तफा के इलाज के लिए चंद पैसों की जरूरत थी तो आपको अपना कारोबार याद आ गया? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैंने शादी के लिए मुस्तफा का इंतखाब किया तभी आपने पैसे देने से इनकार किया? हाँ, मैं नहीं दूंगा मुस्तफा के लिए पैसे, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मोहब्बत भी। लेकिन तुम बताओ मुझे, क्या तुम मुस्तफा की जान बचा सकती हो? मारने और बचाने वाली जात ऊपर है, लेकिन आप अपनी दौलत और ताकत के नशे में इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी हदों का अंदाजा लगाने से पहले तुम मुस्तफा का सोचो, जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अगर तुम ये सोच के आए हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। आप जैसे घटिया इंसान की मदद हमें चाहिए भी नहीं। जिसने हमें इस आजमाइश पे डाला है ना, वो ही हमें इससे निकाले। मेरा बच्चा।
खाना खराब हो। अल्लाह खाला जान हौसला करें, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, अल्लाह पे यकीन रखें, ना रोए इस तरह। अल्लाह करे कुछ ना रहे जिसने ये सब किया। सोचा था थोड़ा बहुत जेवर पड़ा है मेरे पास, उसको बेच के कुछ पैसे आ ही जाएंगे, मुस्तफा का इलाज करा लेंगे, लेकिन क्या करूंगी अब मैं, कहां से आएंगे पैसे, ये भी तो पीतल की है, ये कौन सा सोने की है। काश यही सोने की होती, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती मैं, क्या करूंगी यार, अल्लाह किस आजमाइश में डाल दिया तूने मुझे, मेरा बच्चा। खालाजान बुरा ना मानना, मैं जानती हूँ कि ये वक्त नहीं बात करने का, लेकिन कुछ लोग ऐसी तकदीर ही लिखवा कर लाते हैं। जिनका नाम भी उसके साथ जोड़ा जाए उनकी भी किस्मत खराब होती है। लेकिन अल्लाह ना करे मुस्तफा को कुछ हो, इंशाल्लाह पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद भी सबीन के साथ मुस्तफा का नाम जोड़ना तो सही नहीं है ना उसके लिए। मेरे मुस्तफा को एक बार तुम ठीक होने दो, उसके करीब भी नहीं भटकने दूंगी मैं उसे, लेकिन अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मुझे किस आजमाइश में डाल दिया, एक तरफ अस्पताल में मेरा जवान बेटा पड़ा है और दूसरी तरफ घर में चोरी, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे मुस्तफा का इलाज कैसे होगा, कहां से लाऊंगी पैसे मैं। खाला बस करे प्लीज। खाला मुस्तफा का इलाज नहीं रुकेगा ताई जी, ये मेरे और मेरी अम्मा के जेवरात हैं, से कुछ ना कुछ रकम तो मिल ही जाएगी बेच कर, और बाकी रकम भी अल्लाह कहीं ना कहीं से कर ही देगा, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है। इस वक्त आपकी मेरे लिए नफरत से ज्यादा जरूरी मुस्तफा की जान है ताई जी, समझती है खुद को, यानी मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करती रहेगी और मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो कौन सा कोई गैर थी, तुम्हारी कजन ही तो है शाहज़ैन, और वैसे भी जो उसने कहा है गलत नहीं कहा, मुस्तफा तुम्हारे मामूजाद हैं और तुम्हें उनके इलाज के लिए रकम दे देनी चाहिए थी, और वो लोग कौन सा तुमसे कोई खैरात मांग रहे थे, उधार ही तो मांग रहे थे तुमसे। अगर मैं इसी तरह सबको उधार देता रहा, वो भी लाखों रुपए के, तो हो गया मेरा बिजनेस। कजन वो मेरा है, तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए। मैं तुम्हारा दोस्त जरूर हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान, और बीइंग अ ह्यूमन मुझे तुम्हारी हरकत बहुत बुरी लगी। अभी तुम्हारे कुछ भी नहीं, आप जी मैं आई, थैंक यू, मुझे आप ही का इंतजार था, पता नहीं क्यों यकीन था कि आप जरूर आए। तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं आऊंगा, जितने दिए सबीन ने मुस्तफा की मोहब्बत में जलाए हैं ना, उन दियों में सिर्फ और सिर्फ मैं जलूं, मोहब्बत तो मैंने भी की थी मुस्तफा से, तो फिर किस्मत उसे सबीन की झोली में कैसे डाल सकती है, उसे तो मेरा नाम लिखा जाना चाहिए था ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुस्तफा तक पहुंचने की सीढ़ी मैं बनूंगा? ऐसा लगता नहीं, यकीन है,
अब ये आप पर है कि आप इस वक्त को अपने बस में कैसे रखते हैं। कमाल है वैसे, कैसी मोहब्बत है तुम्हारी। जिस इंसान से इतने मोहब्बत के दावे करती हो तुम, वो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कहाँ से पैसे आएंगे उसके इलाज के लिए, कैसे ठीक होगा वो, तुम्हें फिक्र भी है उसकी। मोहब्बत और जंग में सारे कायदे कानून बदल जाते। मोहब्बत हासिल करने के लिए की जाती है। मुस्तफा को सबीन का होता देखने से अच्छा है कि मैं ये मंजर देख लूं, ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। काफी खुदगर्ज़ हो। वैसे अब मुझे तसल्ली हो गई है, मुस्तफा का इलाज भी हो जाएगा और मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल जाएगी। खैर सबीन अंदर है। आप यहाँ क्यों आए? मैं जानता हूँ सिर्फ मेरी शक्ल देखे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। आना भी चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत की जान बचाने के लिए मैंने पैसे जुनाई दिए। बहुत संग दिल ना मैं। यकीनन तुम्हें ये भी महसूस हो रहा होगा इस वक्त कि तुमसे इतनी तजलील करवाने के बाद फिर भी यहां मैं क्यों खड़ा हूं। तो अगर आपको अपनी तजलील का एहसास हो ही गया फिर यहां पे क्यों आया? मुस्तफा की जान बहुत कीमती है, ये बात मैं जानता हूं। अगर तुम बीच में ना होती, मुस्तफा की जान बचाने के लिए मैं हॉस्पिटल का बिल कब तक क्लियर कर चुका हूं। लेकिन ये सब मैं अब भी कर सकता हूं। लेकिन 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 तुम्हें मुझसे एक डील करनी होगी। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूं, डील के अलावा मुझे कुछ आता नहीं। कैसी डील? मुस्तफा की डील। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे। मैं मुस्तफा के इलाज के लिए सारे पैसे देने को तैयार हूं, बल्कि जब तक वो हॉस्पिटल में है मैं सारे एक्सपेंसेस बेयर करूंगा। बस सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ दो रातें गुजारनी होगी। मोहब्बत भी क्या शय, इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। किस्मत बन गई जुदाई, किस्मत बन गई जुदाई, सुन ले मेरी ये दुहाई। सोफिया, हॉस्पिटल वाले ने मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। अगर मेरे बस में होता तो मैं मुस्तफा के लिए अपने आप को बेच देती। आपको जल्द से जल्द फैसला करना पड़ेगा नेक्स्ट हाफ एन आवर। आपकी हर बात हर शर्त मंजूर। एक बार फिर से सोच, मैं मुस्तफा की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ।